हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी कोठारी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी कोठारी ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 10 बजे से, और मैंने अभी सारा काम को निपटा लिया है। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आज देहरादून का मौसम, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, धूप भी बहुत तेज है। और आप देखो देहरादून का मौसम दोस्तों, आजकल देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये देख सकते हैं। आज का मौसम आजकल मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा। अभी भी यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं बहुत धूप हो रही। 9-10 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और आज करूँगी मैं अपने जो मंदिर का तांबे का लोटा है, आप लोगों को बताऊँगी मैं इसको कैसे साफ करती हूँ। दोस्तों ये है मेरा तांबे का लोटा, ये थोड़ा काला हो गया, ये देख सकते हैं आप, काला हो रखा है। तो इसको मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसको मैं किस तरह से साफ़ करूँगी। आप लोगों को इसकी साफ़ करने की पूरी विधि बताऊँगी, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और मैं लोटे को कैसे चमकाती हूँ दोस्तों, ये लोटा धोने के लिए थोड़ा मैंने कर दिया गर्म पानी, और इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच नमक की। दोस्तों पानी भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा, एक ही लोटा रखा है, 1 चम्मच है, इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच नमक की। दोस्तों ये ले लिया मैंने 1 नींबू, और इसको करूँगी मैं आधा, मैं डालूंगी पानी में। इसको मैं लास्ट में लोटे से साफ करूंगी। इसमें डाल दिया मैंने ये थोड़ा चाउमीन का सिल्का होता है, और एक ढक्कन दे के डालूंगी। अब ये लोटा है, एक लोटा ये पानी का भी है इसमें, और इसको ऐसे करके अब ये बिल्कुल काला है। दोस्तों अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के इससे हाथ से भी थोड़ा साफ करूँगी, और फिर इसमें पूरा लोटा भरूँगी पानी का। ये देख सकते हैं अभी मैं हाथ से कर रही हूँ साफ थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैं इसमें पूरा लोटा भर दूंगी। इस लोटे में पानी भर के कम से कम 10-15 मिनट इसको ऐसे रखूंगी। फिर दोस्तों इसको हो गए कम से कम 10 मिनट हो गए, और आप लोगों को मैं इससे ये पानी निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, ये पानी बिल्कुल हरा हो गया है। अभी पानी निकाल के देखती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये लोटा बिल्कुल चमक गया, ये देखो बिल्कुल, मतलब इसके अंदर का जो कालापन और हरापन था वो बिल्कुल साफ हो गया। और फिर मैं इसे ऐसे करके इसमें रखूँगी, फिर बाहर से भी चमक जाएगा ये। अभी बाहर से काला है क्योंकि मैंने पानी थोड़ा कम लिया था, और अब इसको मैं बाहर से भी ऐसे ही चमकाऊंगी। आप लोग देखते रहें, और आप लोगों की ज़रूर एक बार ट्राई करें अपने तांबे के बर्तनों को, देख सकते हैं। दोस्तों अब दिखाते हूँ मैं ये बाहर से, अंदर से तो ये चमक रखा, और अब बाहर से भी इतना चमक गया ये, देख सकते हैं आप। देखो थोड़ा थोड़ा है, हल्का हल्का है कालापन, और इसे मैं हाथ से रगड़ूंगी, ये देख सकते हैं ये चमक गया बिल्कुल लोटा। देखो थोड़ा है यहाँ पे है ये थोड़ा कालापन, और इसको मैं अब नींबू से रगड़ के चमकाऊंगी ऐसे। ये जो आधा नींबू बच रखा है इसको ऐसे करके, आ
अभी ला गई हूँ मैं इसको किचन से साफ करके, मतलब थोड़ा साफ, बिल्कुल साफ पानी से धो के थोड़ा साबुन से भी धुला। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया। अब इसे पोंछूंगी मैं सूखे कपड़े से साफ, नहीं तो फिर अगर हम इसे गीला ही छोड़ेंगे फिर इस पर हरी हरी काई जम जाएगी, फिर ये ऐसे ही काला हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे साफ, सुखाऊंगी, धूप में रखूंगी, फिर इसे मंदिर में रख सकूंगी। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने मतलब बिल्कुल कुछ भी बाहर की चीज़, पीताम्बरी वगैरह कुछ भी यूज नहीं की अपने घर में। घर से नींबू, वो नमक, गर्म पानी इसी से साफ किया। इसमें और कोई चीज़ बाहर की नहीं थी, ये सारे घर ही के थे जो हमारे डेली यूज के होते हैं, उसी से मैंने इसको साफ किया। और अगर आपको ये, अगर आपको भी अपने तांबे के बर्तन या लोहे के बर्तन ऐसे ही चमकाने हैं तो आप भी ज़रूर अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने घर की जो घरेलू हमारे डेली यूज के सामान होता है उसी से हम अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ऐसे अंदर से भी बिल्कुल साफ हो गया, कहीं पे काला नहीं होगा आपको देखने को। बिल्कुल चमक गया आज का लोटा, तांबे का बर्तन बिल्कुल साफ। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपनी इस बहन को ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहें, और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।